Hello and welcome to our channel Hack to Crack ND. Please subscribe our channel and press the bell icon to get latest notification of our videos. और आप हमारा FB का पेज भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर जरूर मिलेगा। साथ ही आप हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अपने करंट अफेयर्स के मोस्ट 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेकंड और आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 45 से लेके 73 तक जाएंगे। इन क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रट लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पिछले 4-5 महीनों के करंट अफेयर्स के, और इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई लिमिटेड नहीं होता, बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका। तो बाकी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको करना हो करिएगा, नहीं करना आपकी मर्ज़ी। तो लास्ट वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस तक देख लिए थे, चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 46 क्वेश्चन में चलते हैं। हम 46 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 20 अक्टूबर 2017। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे इंडिया कौन है, जिसने अक्टूबर 2017 को रिज़ाइन किया। माना अक्टूबर थोड़ा पुराना हो गया, पर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने रिज़ाइन किया है कोई छोटी बात नहीं है। तो इसका हमारा आंसर है रंजीत कुमार। 47th क्वेश्चन जो है हमारा वो है, कौनसम उर्मिला देवी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो कौनसम उर्मिला देवी है वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं पास्ट ईयर में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। इसका आंसर है दोस्तों वेट लिफ्टिंग। उन्होंने 44 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, जेम्सन निंगथौजम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जेम्सन निंगथौजम इज एसोसिएटेड विद विच, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं ये। इसका आंसर है हमारा आर्चरी। ठीक है, बाकी इनके बारे में थोड़ी डिटेल दिया, पढ़ लीजिएगा आपको पढ़ना हो तो। एक फैक्ट बताएंगे हम जिस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। न्यू दिल्ली बेस्ड द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तेरई वॉज रैंक्ड सेकेंड अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट क्लाइमेट थिंक टैंक बाय द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ क्लाइमेट गवर्नेंस ICCG। जो न्यू दिल्ली में हमारा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है तेरई का, इंडिया न्यू दिल्ली में है, उसे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक दी गई है ICCG के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हमारा 50वां क्वेश्चन देखते हैं हम, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू विन अन्ना पोलितकोवस्का अवार्ड। अजीब से ही नाम है, गौरी लंकेश ने जीता ये जर्नलिस्ट टू विन अन्ना पोलितकोवस्का अवार्ड, जो भी है। 51वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2017। इसका है लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। मोदी जी आए, डिजिटलाइजेशन ही करा रहे हैं, तब से तो वही होगा ऑफकोर्स। जो 52 क्वेश्चन है हमारा वो है, हु विंस केमिस्ट्री नोबल प्राइज 2017। इसके तीन लोग थे जिन्होंने केमिस्ट्री के नोबल प्राइज़ जीते हैं, वो है पहला जैक्वस द बॉचेट, नंबर टू है जोहिम फ्रैंक, और थर्ड है हमारा रिचर्ड हैंडरसन। ये तीन है जिसको 2017 का केमिस्ट्री का नोबल प्राइज़ मिला है। चलिए 2017 के बाद हम 53rd क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक फैक्ट है हमारा जिसको क्वेश्चन आएगा, स्पेन्स गैरबाइन मुजुर्गा वॉन हर मैडन विम्बलडन टाइटल विद अ स्ट्रेट सेट विन ओवर 5-time चैम्पियन वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स को हरा के जो 5 times से चैम्पियन थी स्पेन की, गैरबीना मुजुर्गा ने जीता है विम्बलडन टाइटल। बहुत बड़ी बात है कि जो 5 साल से चैम्पियन है उसको हराया, क्वेश्चन आ सकता है। 54th क्वेश्चन देखते हैं, हु विंस US ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल 2017। इसका आंसर है हमारा स्लोन स्टेफेंस। 55 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा फैक्ट है रॉजर फेडरर के बारे में, क्योंकि इनका भी कुछ रिकॉर्ड हुआ था। रॉजर फेडरर विंस 8th विंबलडन टाइटल विंस ओवर मैरिक लाइक। जो रॉजर फेडरर हैं उन्होंने 8 titles जीते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, काफ़ी नामी प्लेयर है। हु विंस US ओपन 2017 मैन सिंगल्स टाइटल। इसका आंसर है राफेल नडल। US ओपन का मैन सिंगल टाइटल किसने जीता था। 57 देखते हैं हम,
इंडिया का सुंदर सिंह गुर्जर क्लेम्ड गोल्ड मेडल इन मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। सुरेंद्र सिंह गुर्जर जी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवेलियन थ्रो में, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आने लायक है एग्ज़ाम में, पैरा ओलंपिक में। 58 क्वेश्चन, ये है हमारा, विच इंडियन अमेरिकन वॉज अवॉर्डेड विद 2017 बल्जान प्राइज रिसेंटली। बल्जान प्राइज किस इंडियन अमेरिकन को मिला है अभी अभी, इसका आंसर है हमारा बीना अग्रवाल। 59th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियाज करम ज्योति दलाल हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 इन डिस्कस थ्रो। ये भी सेम जैसे हमारा गुर्जर सिंह ने मेडल जीता था गोल्ड मेडल जेवेलियन थ्रो में, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में, ये भी अच्छी बात है, ये भी आ सकता है, ये रैंकिंग वाले तो आ ही सकते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन 2017 ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स GHCI में, इंडिया की कौन सी रैंक है 2017 में, इसका आंसर है हमारा 130वीं रैंक है, 103rd रैंक। ठीक है, वर्ल्ड यूथ चैम्पियन सचिन सिवाच क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। 62 क्वेश्चन देखते हैं हम, हु विंस कोरियन ओपन 2017, PV सिंधु ने जीता है कोरियन ओपन 2017। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज ओपन इन स्विट्जरलैंड स्पैमिंग 494 PM अक्रॉस वैली। दुनिया का सबसे बड़ा फुटपाथ ब्रिज स्विट्जरलैंड में खुला है जो कि है 494 मीटर। 64th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे 2017। ओजोन डे कब मनाया जाता है ये अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक साथ लिख के दे दूंगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। ठीक है, एक और फैक्ट आया हमारे पास, दविंदर सिंह खांग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल राउंड ऑफ अ जेवेलियन थ्रो। ये पहले हमारे इंडियन हैं जो जेवेलियन थ्रो के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फाइनल में आए हैं, आज तक किसी कोई नहीं आ पाया, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ ONGC। जो ONGC है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो CMD उसको कौन अपॉइंट किया गया है, वो है शशि शंकर, और ये रिप्लेस करेंगे दिनेश के सरफ को। ठीक है, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 इकोनॉमिक्स, डॉक्टर राजकुमार नेम्ड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का जो वो है, नीति आयोग का जो न्यू वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर राजीव कुमार उसको बनाया गया है। 68 क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन स्वॉर्न एज द न्यू CAG ऑफ इंडिया। CAG होता है कैपिटल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो हमारा कौन बना है नया 25 सितंबर 2017 को, भले ही पुराना है पर बन गया है तो अगले बहुत टाइम तक रहेगा, इसलिए इससे आने के चांसेस हैं। तो इसका आंसर है हमारा राजीव महर्षि। ठीक है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि हु हैज़ अपॉइंटेड कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सेम इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जैसे कई बार आपने देखा होगा NDA में भी या पास्ट ईयर में भी कि ये पूछते हैं कि जो नया हमारा CAG बना है राजीव महर्षि वो पहले क्या थे, कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हमें जानने की बात है वो थे होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन को बैठते हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद अपना इनके अलावा आपको जो प्रिपेयर करना हो आप कर लीजिएगा। हु इज़ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र पूछ रहे हैं, ये है अरविंद सुब्रमण्यन, फिर से एक सुब्रमण्यन आ गया, ओके कोई बात नहीं। 71 क्वेश्चन देखिए, PV सिंधु लॉस्ट टू नोज़ोमी ओकुहारा ऑफ जापान इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि PV सिंधु फाइनल में किससे हारी थी वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के, ओके। 72 क्वेश्चन देखते हैं हम, ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2017। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2017 के थीम क्या थी, वो थी हमारी सस्टेनेबल टूरिज्म अ टूल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द गोदाजरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी GWS विल कम अप इन विच स्टेट। ये नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप हो रही है वो कहाँ होगी, ये होगी हमारी महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा, 2-3 दिन में आपके एग्ज़ाम्स हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको इम्पॉर्टेंट डेज़ की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको जिस चैप्टर की ट्रिक्स पहले चाहिए वो भी लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।